आयुष शर्मा और सलमान खान स्टारर अंतिम आखिरकार पूरे देश में रिलीज हो गई है। फिल्म को जॉन इब्राहिम की सत्यमेव जयते 2 से क्लैश का सामना करना पड़ रहा है, मगर फिर भी खुद को एक अच्छी स्क्रीन काउंट्स दिलवाने में अंतिम कामयाब रही है। अब देखते हैं कि पहले दिन के मॉर्निंग शोज में कैसा रहा है अंतिम का परफॉर्मेंस। पहले दिन फिल्म की धीमी शुरुआत होने की उम्मीद थी और ये वीकेंड में वर्ड ऑफ माउथ प्ले के साथ बढ़ेगी। ऐसा ही हुआ है क्योंकि इस क्राइम ड्रामा ने पूरे देश में कम से लेकर एवरेज ऑक्यूपेंसी दिखाई है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी बात यह है कि वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है, इसलिए शाम और रात के शोज के दौरान बूस्ट की उम्मीद है। और जैसे कि सत्यमेव जयते 2 को ऑडियंस से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब आयुष और सलमान की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खेलने के लिए खुला मैदान मिला है। वैसे बॉली ट्रैक नाम के ट्विटर अकाउंट से अंतिम के फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑक्यूपेंसी स्टेट वाइज बताई गई है। आइए डालते हैं एक नजर। अंतिम मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी इन पुणे, सिनेपोलिस वेस्टर्न मॉल 6.5%, पीवीआर मार्केट सिटी 21.19%, विक्ट्री थिएटर हाउस 86.26%, पीवीआर पैसिफिक मॉल 57.37%, सिनेपोलिस सीजन मॉल 11.13%, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अराउंड 18-22%। अंतिम मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी इन अहमदाबाद, पीवीआर एक्रोपोलिस 25.8%, मिराज सिटी पर्ल्स 10.4%, राजहंस सताधर 21.7%, सिनेपोलिस अल्फा 1 14.6%, सिनेमैक्स गांधीनगर 14.7%, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अराउंड 6-8%। अंतिम मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी इन दिल्ली, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इन ब्रैकेट्स, पीवीआर पैसिफिक 11.5%, M2K रोहिणी 3.1%, सिनेपोलिस V3S मॉल 19.6%, वेव राजा गार्डन 25.14%, पीवीआर विकासपुरी 5.3%, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ अराउंड 6-8%। अंतिम मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी इन मुंबई, पर्सन ऑक्यूपेंसी इन ब्रैकेट, मूवी टाइम हब गोरेगांव 42-30%, पीवीआर सिटी मॉल 22-21%, कार्निवल आईमैक्स 9.7%, सिनेपोलिस अंधेरी 38-30%, PVR Orion 60-67%, Average Occupancy of Around 28-32%। आपको बता दें कि सलमान की मौजूदगी की बदौलत मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सिंगल स्क्रीन अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी पहले दिन मॉर्निंग शोज में भीड़ भले ही कम थी, लेकिन नून और इवनिंग शोज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अच्छी ऑक्यूपेंसी पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अंतिम। लिहाजा अब कल जब पहले दिन की कमाई का आंकड़ा आएगा तो ये यकीन सत्यमेव जयते 2 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि आयुष ने 2018 में लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने एक लवर बॉय का रोल प्ले किया था। अब वो अंतिम में एक नेगेटिव रोल निभाते हुए नजर आ रही हैं, जहां उन्हें अपने जीजा और सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ खड़ा देखा गया है। जाहिर है कि सलमान की अंतिम उनका इस साल का अंतिम धमाका तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये धमाका काफी ग्रैंड साबित होने वाला है। आप क्या कहेंगे इस पर, शेयर कीजिए अपनी राय। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।